स्पेशल माशाल्लाह काबली पुलाव, ठीक है। इधर जो है ना वो चिकन है फ्राई हुआ हुआ, साथ में फिश फ्राई हुई है माशाल्लाह। ये आ गया है सलाद, ठीक है, रायता, और ये माशाल्लाह वाइट चिकन कढ़ाई, और उधर वो है ना स्वीट माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्तों को? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। चेहरे पे खुशी देख के तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज ही इंशाल्लाह सऊदी अरेबिया में हमारी आखिरी रात है इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह रात की फ़्लाइट है हमारी पाकिस्तान की, नजरान से रियाज और रियाज से इस्लामाबाद इंशाल्लाह। और जैसे पाकिस्तान से कोई परदेस में आगे दावत होती है, आज हमारे भाई प्यारे भाई जवाद भाई ने जो हमारे लिए ना दावत तैयार की है, ठीक है, अभी वो कॉलें कर रहे हैं, चलते हैं उनकी दावत एंजॉय करते हैं इंशाल्लाह। और आपको चेक भी करवाएंगे भाभी हमारी ने क्या क्या खाना हमारे लिए तैयार किया है। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह पाक जवाद भाई की फैमिली को और उनको खुशियाँ नसीब फरमाए। तो अभी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, नौमी नीचे गाड़ी में वेट कर रहे हैं, उसको साथ लेते हैं और चलते हैं जवाद भाई की तरफ, और आपको भी दिखाते हैं परदेस में अपने दोस्त की दावत घर जाने से पहले कैसे अहतमाम होता है, ठीक है। और इधर अपने रूममेट भी गोश्त वगैरह तैयार कर रहे थे, तो मैंने बोला कि आज तो जवाब भाई की तरफ दावत है, आप थोड़ा सा गोश्त रख देना, हम सुबह नाश्ते में इंजॉय कर लेंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी, चलते हैं जवाब भाई की तरफ। इधर गाड़ी ऑयल वगैरह चेंज करवाने के लिए देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे जवाद भाई की तरफ, एंजॉय करेंगे डिनर आज उनके पास। अभी इधर से ऑयल चेंज करवाते हैं गाड़ी का और चलते हैं जवाद भाई की तरफ। गाड़ी लगा दी है, ऑयल चेंज होगा गाड़ी का, फिर सर्विस होगी, तब तक हम भी खाना खा के आ जाएंगे इंशाल्लाह। आ गए जी जवाद भाई के पास, इधर उन्होंने फैमिली रखी हुई है अपनी, पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है भाई ने माशाल्लाह। और अभी चलेंगे इंशाल्लाह उनके ड्राइंग रूम में। ये जी नुमान साहब माशाल्लाह, और जवाद भाई के पास आ गए हम। ये माशाल्लाह रूम है उनका, ठीक है, फैमिली उनके साथ है, भाई हमारे ने स्पेशल माशाल्लाह काबली पुलाव, ठीक है। इधर जो है ना वो चिकन है फ्राई हुआ हुआ, साथ में फिश फ्राई हुई है माशाल्लाह। ये आ गया है सलाद, ठीक है, रायता, और ये माशाल्लाह वाइट चिकन कढ़ाई, और उधर वो है ना स्वीट माशाल्लाह जी। सारा घर पे तैयार हुआ हुआ जी। ये हैं जी हमारे जवाद साहब, माशाल्लाह जी बड़ा एहतमाम किया है बाबी मारी ने। शुरू करते हैं जी वाइट चिकन कढ़ाई से। जैसे जी रनी ना जाती नहीं चाचू ने और वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, सीधा वीडियो बनाओ। मैं जब दुख कर ना खा के वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। मैं तो खाने मैं तो वीडियो बना। चल भाई चल जी भाई,
वाइट चिकन फ्राई, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी हम ले नेक्स्ट। चलो जी, हर चीज़ ज़बरदस्त बनी हुई है। अभी फिश ट्राई करते हैं। ये ऑयल में फ्राई हुई नहीं है, ये तवे पे फ्राई हुई है। माशाल्लाह, हर चीज़ परफेक्ट बनी हुई है। तुम ही बाप हो रहा ना जाओ जी। ना के ये जी खाते जी है, नोट करो। दो रोटियां खाती हैं, किन्नी है? दो रोटियां भी खाती नहीं, कुछ भी नहीं खाता है वो। खाते ना चिकन गरम। ये हड्डियां सारियां देख लो, एक एक ने खाई हैं तो। ये हड्डियां देख लें, और ये मैं इधर मेरे इधर ही मेरे वाली रखी हैं ना हड्डियां। पलाव पलाव ये अफगानी पलाव है। अभी लगता है मुझे मेरा रिज़्क सऊदीया में ख़त्म हुआ है। नहीं, हम तो पाकिस्तान जा रहे हैं ना। माशाल्लाह, माशाल्लाह जी। जवाब भाई मज़ा आया जी दावत का। अभी हमने पुलाव, चिकन कढ़ाई, ठीक है, साथ वाइट चिकन कढ़ाई, और साथ में मछली थी फ्राई हुई और रोस्ट हुई थी चिकन, वो हमने खा ली अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें खा के बंदा कैसे पीछे, ये पेट को भी देखें, और ये देखें सुकून कर रहा है ना, क्योंकि अभी मीठे का नंबर है। माशाल्लाह जी आदमी मज़ा आया जी। अल्लाह पाक आपके रिजक में जान माल में बरकत डाले। मीठे खाने हैं आपने? हाँ, ये फैसलाबाद के हैं जी स्पेशल, हमने फैसलाबाद से मंगवाए। हाँ जी, वो कहते हैं मुझे मौका दिया गया। और अभी इधर नंबर है, इसको देखिए, हमने टच भी नहीं किया क्योंकि वो माल ही बहुत था। अभी जी मीठे का नंबर है माशाल्लाह। जवाद भाई ये क्या बना हुआ है आप ही बता दें। ये जी कस्टर्ड बना हुआ है, कस्टर्ड, और बीच में केक भी है। केक माशाल्लाह। और आखिर में जी स्पेशल कश्मीरी चाय। माशाल्लाह जी जवाद भाई मज़ा आया जी माशाल्लाह दावत का। परदेस में ऐसी दावत नसीब वालों को नसीब होती है। अल्लाह पाक आपके जान माल औलाद रिज़क में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह पाक ऐसे ही आपको खिलाने की और हमें खाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। नहीं, बहुत फॉलो हो गए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। पाकिस्तान में तो सब कर लेते हैं दिखलावे के लिए आगे पीछे, लेकिन परदेश में ऐसी अरेंजमेंट करना बड़ी बात है जी। खलूस से बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे।